हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी इंसेमिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में। इंसेमिनेशन में आपके जब मेल और फीमेल इंटरकोर्स करते हैं तो मेल अपना जो सीमन होता है वो फीमेल के वजाइना में ट्रांसफर कर देता है अपने पीनस की हेल्प से। अब वो जो स्पर्म होते हैं वो रैपिडली स्विम करके जाते हैं सर्विक्स से होते हुए यूटेरस में और वो पहुंच जाते हैं फॉलिपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में। अब वहां से आपका सेकेंडरी ओसाइट आ रहा होता है ओव्यूलेशन के प्रोसेस के थ्रू एम्पुलरी रीजन में पहुंच जाता है। मैंने सेकेंडरी ओसाइट यूज क्यों किया ये जानने के लिए आप मेरी ओजेनेसिस वाली वीडियो देख सकते हैं। अब वो स्पर्म और सेकेंडरी ओसाइट कॉन्टेक्ट में आते हैं, वो स्पर्म सेकेंडरी ओसाइट की जोना पेलिसिडा लेयर को क्रॉस करता है और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जैसे ही टच होता है तो वो सेकेंडरी ओसाइट अपना मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेता है और दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक आपकी सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और दूसरा आपका ओवा बनता है। अब वो दोनों ओवा का और स्पर्म का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। वो दोनों फ्यूज होके एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे बोलते हैं जायगोट। अब कुछ एक्रोसोमल रिएक्शंस की वजह से ओवा की वॉल में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से कोई और स्पर्म उसको फर्टिलाइज नहीं कर सकता और एक ओवम के साथ सिर्फ एक ही स्पर्म फ्यूज कर सकता है। थैंक यू।